आज सुबह सुबह हमारे स्ट्रीट में साग वाला आया था, यानी बहुत सारे साग लेके आया था। मम्मी ने एक साथ बहुत सारा ही साग खरीद लिया था। मैंने पूछा भी कि मम्मी इतना सारा साग हम क्या करेंगे, तो मम्मी ने कहा आज हम बनाएंगे सरसों का साग, उसके साथ साथ ही हमारा मक्के की रोटी। तो मैंने बनाया और सच में इतना ज़्यादा अच्छा बना, टेस्टी बना। हमारे दोस्त ने भी खाया और सब ने कहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। तो मम्मी ने लिया था एक गुच्छी, यानी कि एक जो गुच्छी बोल सकते हैं गुच्छा, ये हमारा पालक, और इसके साथ साथ एक गुच्छा ये है बथवा साग। इधर साइड का बथवा देख सकते हैं आप, इतना सारा बैंगलोर में है, बड़े बड़े पत्ते वाला मिलता है। हमारे साइड का छोटा छोटा और लाल लाल टाइप का पत्ता होता है। तो मम्मी ने पालक भी साफ़ कर लिया, उसके साथ साथ बैठ करके सभी बथवा के पत्ते को भी तोड़ करके साफ़ किया। साथ साथ ही सब्जियों का भी कटिंग हो गया, जैसे हरी मिर्ची और उसके साथ साथ ही प्याज और लहसुन को पील करना, और उसके साथ साथ मम्मी ने कहा इसमें अदरक और टमाटर भी पड़ेगा, तो वो सभी चीज़ें दे दो, मैं साफ के साथ साथ के साथ ही सभी चीज़ तैयार कर दूँगी। और उसके साथ जब मैं जिम गई, वापस आई, तो मम्मी ने सभी साग को अच्छे से धो करके भी साफ़ करके रखा हुआ था, ये देख सकते हैं। तो बस मुझे बस इसके आगे का काम करना था थोड़ा थोड़ा। तो मैं क्या की सभी साग को बारीक बारीक से चॉप कर ली। यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सभी साग को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, तो ग्राइंड नहीं करना है। जब इसको हम बारीक बारीक से चॉप करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से ये बनेगा और अच्छा लगेगा टेस्ट वाइज भी, और सब कुछ अच्छा लगेगा इसका। मम्मी ने साथ के साथ ही अदरक और लहसुन सबको भी अच्छे से चॉप कर लिया था बारीक बारीक सा, और मैं यहाँ पर किचन में जो है सभी साग को बारीक बारीक से चॉप कर लिया था। जैसे सबसे पहले मैंने पालक का साग किया, उसके साथ साथ ही बथवा का साग किया, और लास्ट में सबसे मैंने किया यहाँ पे सरसों का साग। तो सरसों का ये साग है जो गार्डन में मम्मी ने खुद से उगाया था, बहुत ही छोटे छोटे पत्ते थे, मतलब बेबी सरसों आप कह सकते हैं, लेकिन जब साग बना था इतना ज़्यादा स्वादिष्ट था, मतलब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था। तो सभी साग को चॉप करने के बाद यहाँ पर कुकर में हम डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है क्या कि साग जब बनाते हैं इसको उबालने के बाद इसको ग्राइंड करते थे, मैंने इसलिए ग्राइंड नहीं किया था, इसको मैंने बारीक बारीक से चॉप कर लिया। कुकर में डाल करके यहाँ पे नमक डाल दिया, 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला। थोड़ा सा पानी डालेंगे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, एकदम थोड़ा सा पानी डाल करके, और फिर इसको हम यहाँ पे कुकर को गैस पे डाल करके एक ही सीटी लगाएंगे। दोस्तों इसको बहुत ही ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है, जब आप इसको बहुत ज़्यादा सीटी लगाओगे ना, तो साग में कड़वापन आ जाता है, क्योंकि जो सरसों का अपना एक कड़वापन जो है ना वो आ जाएगा। इसलिए एक सीटी लगा करके फिर से हम गैस को यहाँ पे सिम पे रखेंगे, और ये जो मथना होता है ना, मथनी बोलते हैं बहुत सारे लोग, जैसे बीटर कह सकते हैं, लकड़े का इस तरह का मिलता है वो, तो उसको बीट करने के पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा लहसुन और हरा मिर्च और कटा हुआ जो होता है अदरक वो डाल देंगे, और इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि साग भी काफ़ी अच्छे से ना एकदम से, मतलब लसलसाहट वाला साग हो जाएगा, एकदम मैशिव, बहुत ही अच्छा मतलब हो जाएगा। और साथ के साथ ही यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत लहसुन को मैंने भी चॉप कर लेना है। मम्मी ने इसको पील कर दिया था, मैंने सोचा इसको चॉप कर लेते हैं। उसके साथ साथ अदरक को भी मम्मी ने थोड़ा मोटा मोटा ही काटा था, तो मैंने सोचा इसको बारीक बारीक सा काट लेते हैं, और उसके साथ हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक से काट लेंगे। इसका भी यूज़ हम करेंगे आगे के साग के बनाने में ही। तो सभी चीज़ें ऑलमोस्ट इधर रेडी हो चुका है। यहाँ पे साग को क्या करना है, जब आप इसको मथते हैं ना, तो बीच बीच में इस तरह से कवर करना है, बहुत ही मतलब अच्छे से ढकना नहीं है, हल्का सा खुला खुला ही रखना है, ताकि हल्का सा इसका जो स्टीम बाहर आते रहे, अगर वापस से वो स्टीम इसके अंदर जाएगा तो ये साग में फिर से वापस से कड़वाहट आ जाएगा। इसीलिए जब भी इस तरह से ढके तो हल्का सा मतलब खुला रहना चाहिए साइड से, ताकि स्टीम बाहर निकलते रहे। तो जब तक साग उधर से पक रहा है, दूसरी साइड पर हम इसमें ऐड करेंगे मक्के का आटा, यानी कि 2 से 3 चम्मच आपको मक्के का आटा लेना है। उसमें थोड़ा पानी डाल करके उसको बैटर जैसा बना लेंगे। अब आप बोलोगे कि मक्के का आटे का हम अभी क्या करेंगे, पता है दोस्तों, मक्के का आटा जब हम ऐड करते हैं ना साग में, और ख़ासतौर पर ये जो हमारा साग होता है सरसों का साग, तो उसमें ऐड करने से थोड़ा सा साग जो है ना थिक होता है, मतलब पानी पानी जैसा नहीं रहता है, थोड़ा सा साग की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से मम्मी यहाँ पे आ गई बीच में, कि बोली कि मैं तब तक इधर जो इसको साग को अच्छे से मथ देती हूँ। तो इन्होंने क्या किया, मथनी हटा करके जो हमारा इस तरीके का कलछुल होता है ना, जिसको हम कलछुल बोलते हैं, उससे ही मथना शुरू किया। तब तक मैं दूसरे साइड पर दूसरा वाला कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसमें थोड़ा सा मैंने राई का तड़का दिया, उसके साथ अदरक लहसुन जो हमने काटा हुआ था ना बारीक बारीक सा, वो इसके अंदर डाल करके इसको थोड़ा सा भूनेंगे, और फिर इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो प्याज डाल करके यहाँ पे आपको अच्छे से इसको भूनना है। तो
तो गैस को यहाँ पे मीडियम से लो फ्लेम पे हम रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा नहीं रखना है तेज़। और दूसरी साइड पे क्या करना है, हम साग को एक बार देख लेते हैं। साग की कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छी हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है, तो ऑलमोस्ट हमारा साग जो है उधर हो चुका है। दूसरी साइड पे हमारा तड़का भी, जैसे तड़का में हमारा प्याज काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं लाल हो चुका है, तो यहाँ पे हम टमाटर कटा हुआ डालेंगे। तो एक टमाटर के आसपास आपको डालना है, और जब टमाटर डाले हैं तो थोड़ा सा नमक ऐड करिए, ताकि हमारा टमाटर काफ़ी अच्छे से गलेगा, और ये जो बहुत ही बड़े मोटा मोटा नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ ही आपको थोड़ी सी कश्मीरी वाली लाल मिर्ची डाल सकते हैं। इस वैसे साग बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, बहुत ही मतलब हल्का मसाला रहता है, क्योंकि साग का अपना खुद का एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, मसालों की वजह से वो सभी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो तड़का रेडी होने के बाद हमने सभी साग को इसके अंदर डाल दिया हुआ है, और देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, और खाने में यकीन कीजिए बहुत ही अच्छा लगता है। अब दोस्तों इसको और भी अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे साग में हम अलग से तड़का डालेंगे, जो तड़का आज के साग को और भी सुपर डुपर हिट बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 2 चम्मच, छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच घी। घी आप थोड़ा ज़्यादा करके भी रख सकते हैं, क्योंकि घी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। अब लहसुन डाल रहे हैं। अब बोलोगे लहसुन आप कितनी बार डालते हो, लहसुन मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे घर में सभी लोग खाते हैं। तो थोड़ा लहसुन, थोड़ा सा हरी मिर्ची और थोड़ा सा साबुत लाल मिर्ची को डाल करके बस हल्का सा, सभी चीज़ें जब लाल हो जाएगी ना तो उसको हम डाल देंगे इस वाले हमारा जो साग है उसमें डाल देंगे। और ये जो साग आज का इस तड़का की वजह से स्वादिष्ट बनेगा ना कि मत पूछिए। मम्मी ने क्या किया था, पहले जब साग बिना तड़के वाले थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को टेस्ट कराने के लिए दिया, तो बोला अच्छा बना है, लेकिन जब तड़के के बाद दिया ना, उन्होंने बोला वाओ बहुत ही अच्छा, तड़का की वजह से इसका स्वाद और भी बढ़ गया था। तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग आज का ये सरसों का साग बना है, तो आप भी अपने घर एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अब सरसों का साग तो बन करके रेडी है, अब उसके साथ दोस्तों मक्के की रोटी अगर ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो मेरे पास मेरे घर में मक्के की रोटी, मक्के का आटा था। एक्चुअली मेरी जो मम्मी है, मेरी माँ, हमारे गांव में मक्के का खेती होता है, मेरे दादाजी लोग बहुत ही मतलब खेती बाड़ी होता है करते हैं, तो मम्मी हमेशा वहाँ से भिजवाती रहती है। तो मेरा भाई जब आ रहा था तो मम्मी ने मक्के का आटा भेज दिया था, तो घर का देसी मक्के का आटा है, एकदम से स्वादिष्ट, जो लाल कलर का होता है ना वही वाला। वैसे मक्के वाइट वाले भी आते हैं हमारे साइड में, तो वाइट वाला नहीं है, ये लाल वाला है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा छान लेंगे, क्योंकि मैं मक्के का आटा डेली नहीं बनाती थी, इसलिए मैं इसको फ्रिज में बंद करके रखती हूँ, ताकि इसमें किस तरह का कोई कीड़ा वीरा ना लगे। तो इस तरह से हमने इसको क्या करना है, स्ट्रेनर में डाल करके अच्छे से इसको छान लेंगे, और उसके बाद पानी को गुनगुना करना है, पानी को ठंडा नहीं रखना है, पानी को गुनगुना करके डालना है। मक्के का आटा तभी बहुत ही अच्छे से बाइंड होता है, अगर आप इसको ठंडे पानी से गूँथ दोगे ना तो मक्के का आटा बहुत ही अच्छे से बाइंड नहीं होता है, इसमें किसी तरह का और आटा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, इसमें बाइंडिंग नहीं होता तो थोड़ा गेहूँ का आटा मिला देते हैं, तो क्या होता है बहुत ही अच्छे से बनता है वो। लेकिन मेरे घर में मैं मम्मी को हमेशा देखती थी कि कभी वो गेहूँ का आटा नहीं मिलाती थी, बस गर्म पानी से आटे को अच्छे से सान देती थी, मतलब गूँथ देती थी, तो आटा अपने आप ही बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाता था। तो कुछ ही देर में देखिएगा कि आटा बहुत ही अच्छे से बाइंड हो चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कि इसको अच्छे से हमें गूँथ लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरी मम्मी क्या करती है, हाथ पे ही रोटी बहुत ही अच्छे से बना लेती है, पर मुझे हाथ पे नहीं बनाने आता है, इसलिए मैं प्लास्टिक का यूज़ करूँगी। तो प्लास्टिक पे थोड़ा सा मैंने सूखा आटा डाल दिया है, और उसके बाद इस तरीके से लोई निकाल करके, और फिर इस तरीके से थपथपा करके, मतलब नीचे ठोक ठोक करके, जिसको बोल सकते हैं आप, इस तरीके से बहुत ही पतला पतला और बहुत ही अच्छा हमारा रोटी बना था। और ये फीडबैक मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी, मेरी फ्रेंड लोगों ने दिया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग आई थी, एक फ्रेंड मेरी पंजाब की, उन्होंने ही कहा था कि जब बनाएंगे तो टेस्ट ज़रूर कराना। तो उनको कराया, तो सच में यकीन नहीं करोगे, उनको इतना पसंद आया मक्के की रोटी के साथ ये सरसों का साग, वो खा करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इस तरीके से थपथपा करके मैंने बहुत ही बढ़िया सा रोटी बना लिया हुआ है, और एकदम पतला रोटी बना था, मतलब मेरी फ्रेंड ने बोला किरण वाओ बहुत ही अच्छा तुमने रोटी बनाया है, मतलब सच में। तो तवा जैसे ही गर्म हुआ मैंने रोटी डाल दिया उसके ऊपर, और एक साइड से जैसे सीखा तब तक मैं सोची दूसरा रोटी का भी इस तरीके से थपथपा करके रेडी कर लेती हूँ, ताकि जब खाने के लिए कोई बैठे तो फटाफट से रोटी निकले। तो एक साइड जैसे सीखा मैंने इसको चेंज कर दिया दूसरे साइड, फिर दूसरे साइड जैसे सीखा उसको फिर से एक बार पलट दिया, और यहाँ पे प्लेट में जो है मैं थोड़ा सा साग निकालूंगी खाने के लिए, ताकि बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़े से खाया जाए। तो थोड़ा सा साग, बहुत ही ज़्यादा साग मतलब नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही था, तो मैंने सोचा सबको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। और ये हरी मिर्ची का अचार का रेसिपी मैंने अभी रिसेंटली आपके साथ शेयर भी किया हुआ है,
तो अचार और इसके साथ साथ ये हमारा मक्के की रोटी रेडी है बन करके। तो मक्के की रोटी पे अगर आप घी लगा के ना खाओ तो फिर मक्के की रोटी खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो बस उसके ऊपर अच्छे से घी, आपको लबालब से घी भर के लगाना है, कंजूसी नहीं करिए। और फिर उसके बाद इसको आप गर्मा गर्म दीजिए किसी को भी खाने के लिए। फिर उसके बाद उसके मुँह से जो शब्द निकलेंगे आपको दिल खुश कर देंगे एकदम से। बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आज का ये मक्के का रोटी हमारा बन करके रेडी है खाने और खिलाने के लिए। तो सबसे पहला जो आज का ये प्लेट है मैं दे रही हूँ मेरी फ्रेंड जो पंजाबी है, आप सुनिए वो उन्होंने क्या कहा। बहुत बढ़िया बना है ना, बहुत अच्छा बना। क्या मकई का रोटी, सरसों मकई की रोटी, सरसों का साग, गाजर और हरी मिर्ची का अचार, इसमें आंटी के हाथों का प्यार, बहुत ही अच्छा बना हुआ। इसलिए बहुत ज्यादा पूनम, इधर आओ पूनम, तुम भी खाओ। देखो इधर आओ पूनम, तुम भी खाओ। पूनम इधर आओ, बहुत अच्छा बना है। अच्छा बना है ना, अच्छे से खाओ। आंटी को भी खिला दो एक बाइट। हाँ। रोटी भी बहुत बढ़िया बना है, सॉफ्ट बना है ना, मैंने गरम वाले गरम पानी से आटा सना है ना, तो अच्छा बना। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा। चलिए